लेट स्टार्ट करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, देते हैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन, बताएंगे क्या कुछ आता है इस फोन में। तो आज हमारे पास आ चुका है रेडमी का न्यूली लॉन्च रेडमी 10। तो मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं एस्प्रेंट टेक। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग। देखिए हमारे पास अवेलेबल है रेडमी का लेटेस्ट लॉन्च रेडमी 10। अगर इस फोन के फीचर के बारे में कुछ हाईलाइट बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन 680 इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें तो आपको 6000 mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिलेगा। चलिए करते हैं इसी फोन को अनबॉक्स। तो अनबॉक्स कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का आपको वो अपर साइड में फोन देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। इसको करते हैं रैपर को रिमूव तो कुछ लुक कुछ ब्लू कलर में आपको फोन देखने को मिल जाएगा। क्वाड शेप में आपको कैमरा के सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि रेडमी की ब्रांडिंग है। कुछ IMEI गाइड आपको बैक साइड भी देखने को मिल जाएगी। इसको भी करते हैं साइड में और कुछ न्यूली देखने को मिल जाएगा। इस तरह का केस सेक्शन तो इसमें नहीं है, केस सेक्शन जैसा बना हुआ है। आपको सिम इजेक्टर टूल्स देखने को मिल जाएगा इन दिस फोन। इसको भी करते हैं साइड में, देख लेते हैं क्या मिल जाता है। आपको एक नन्ना सा अडाप्टर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसको भी करते हैं साइड में और इन दिस फोन आपको देख लेते हैं कि A2C टाइप केबल है या V2 8। तो देख लेते हैं इन दिस फोन आपको गाइज A2C टाइप का केबल देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। तो फिलहाल इस बॉक्स में इतना ही, करते हैं इस बॉक्स को साइड में। बॉक्स करते हैं साइड में, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ये आपको फोन देखने को मिल जाएगा गाइस। अगर इस फोन के वेरिएंट की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 4GB एंड 64GB। सेकेंड वेरिएंट की बात करें तो आपको 6GB एंड 128GB। अगर रैम के टाइप की बात करें तो आपको LPDDR4X का रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो आपको 2.2 EFS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा गाइज। अगर इस फोन के कलर कम्बिनेशन की बात करें तो 3 वेरिएंट में आपको कलर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट कलर की बात करें तो आपको मिडनाइट ब्लैक देखने को मिल जाएगा। सेकंड वेरिएंट की बात करें तो आपको पैसिफिक ब्लू एंड थर्ड का कैबियन ग्रीन देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.7 IPS LCD इनसेल 60Hz का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो आपको HD+ रिजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको डिस्प्ले की 400 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको डिस्प्ले की तो आपको गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन के हाइट एंड विथ एंड लेंथ की बात करें तो आपको हाइट 169.59 mm का आपको हाइट देखने को मिल जाएगा। अगर विड्थ की बात करें तो आपको 76.56 mm का विड्थ देखने को मिल जाएगा। अगर थिकनेस की बात करें गाइस तो आपको 9.13 mm का थिकनेस देखने को मिल जाएगा। अगर वेट की बात करें तो आपको गाइस 203 के आसपास का ग्राम का फोन आता है गाइस। अगर इस फोन के कैमरे की बात करें तो आपको क्वाड कैमरा शेप में आपको डुअल लेंस कैमरा देखने मिल जाएगा। अगर प्राइमरी कैमरे की बात करें तो आपको इन दिस फोन आपको 50 MP का मेन कैमरा, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है। सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो आपको पोर्ट्रेट कैमरा 2 MP 2.4 अपर्चर के साथ आता है। अगर इस फोन के कैमरे की रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको इन दिस फोन आपको शॉर्ट वीडियो मोड देखने मिल जाएगा, मूवी फ्रेम देखने मिल जाएगा, स्लो मोशन जो कि 180 pixels पे सपोर्टेबल दे रहेगा गाइस, और 700 pixels एट 30 fps पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो गाइज आपको 5 MP का कैमरा, जो कि 2.0 अपर्चर के साथ आता है। और फ्रंट कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको शॉर्ट वीडियो मोड, मूवी फ्रेम, काइनेस्कोप, ढेर सारे मोड देखने मिल जाएंगे, जो कि 180 pixels पे सपोर्टेबल रहेंगे गाइज। आपको 720 pixels एट 30 fps देखने को मिल जाएगा गाइज। गाइज अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन 680 का बेस्ट 6nm का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन दिस फोन आपको इस फोन के बैटरी की माइलेज ज्यादा देखने मिल जाएगी और हीटिंग इश्यूज कम देखने को मिल जाएगा। गाइज अगर बात करें इस फोन के बैटरी की तो आपको इन दिस फोन आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगा। इन दिस फोन आपको इन द बॉक्स 10W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो कि 18W का क्विक चार्जर सपोर्टेबल रहेगा गाइज। अगर इस फोन के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 2 SIM+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट रहेगा गाइस। आप इसको स्पेंड करके 512 GB सपोर्ट दे पाएंगे। अगर नेटवर्किंग की बात करें तो आपको GSM, WCDMA और LTE FDD का ढेर सारा मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है गाइस। अगर इस फोन के वायरलेस एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूटूथ आपको V5.0 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो आपको 802
का ढेर सारी सपोर्ट है, 2.4 गीगा बैंड सपोर्ट एंड 5G सपोर्टेबल रहेगा गाइस। अगर सपोर्ट की बात करें तो FM रेडियो सपोर्टेबल रहेगा। सेंसर की बात करें तो प्रोक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड वाइब्रेशन मोटर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा गाइस। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। 4GB एंड 64GB की प्राइस की बात करें तो 10,999 में देखने को मिल जाएगा। अगर सेकेंड वेरियंट की बात करें तो आपको 6GB एंड 128GB इसकी प्राइस आती है आपको 12,999। अगर इस फोन के UI एंड सिस्टम की बात करें तो आपको एंड्रॉइड आर MIUI 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। हमने इस फोन के कैमरे से कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे हूबहू देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइवली कैप्चर कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम इस फोन के स्पीकर ग्रिल को टेस्ट कर लेते हैं, तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जो कि इस रेंज में इस फोन की स्पीकर एंड फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करें तो अच्छा है, तो आपका क्या राय है कमेंट में बताना ना भूले। थारा भाई श्याम, इतनी वीडियो बनाएगा जब तक आप लोग वायरल नहीं कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अपलोडेड न्यू वीडियो आपको इजिली मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।